સુરતના સાહીન બાગ લિંબાયતના ઓમનગર ખાતે સીએએના વિરોધમાં ચાલી રહેલા ધરણા પ્રદર્શનમાં હવે લિંબાયતની સાથે શહેરના અન્ય વિસ્તારોમાંથી પણ મહિલાઓ જોડાઈ રહી છે માત્ર મુસ્લિમ નહીં પરંતુ દરેક સમાજની મહિલાઓ સીએએના વિરોધમાં જોડાઈ રહી હોય આ ધરણા પ્રદર્શન સફળ થઈ રહ્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે સીએ એટલે કે સિટીઝન એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ એનઆરસી એટલે કે નેશનલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ સિટીઝન અને એનપીઆર એટલે કે નેશનલ પોપ્યુલેશન રજિસ્ટરને લઈ હાલ દેશભરમાં વિરોધ થઈ રહ્યા છે બાગમાં છેલ્લા બે મહિનાથી મહિલાઓ ધરણા પ્રદર્શન કરી રહી છે જેની પણ પહોંચી છે અને વિરોધ કરી રહી છે ત્યારે મુસ્લિમ મહિલાઓ સાથે અન્ય સમાજ જેમ કે ઓબીસી એસટી એસસી સમાધિ મહિલાઓ પણ આ પ્રોટેસ્ટમાં જોડાઈ છે અને સરકારના આ કાયદાનો વિરોધ કરી ધરણા પ્રદર્શનને સફળ બનાવ્યું છે ये पाँच दिन हो गए हैं लेकिन आगे पता नहीं ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि कितने दिन तक जब तक हमको कामयाबी नहीं मिलती है तब तक हमें यहीं पर रहना है जो भाई गवर्नमेंट हम ये कहना है चाहते हैं कि सी ए जो कानून संसद में पास किया गया जिसकी संसद में जिस संसद की मोहर लग गई हम इसके खिलाफ़ है और आने वाला एन आर सी सी ए हम इसके भी खिलाफ़ है एम पी आर जो सर्वे एक मई से होगा हम इसके भी ख़िलाफ़ है जो भी ये कायदे जो लग गए हैं सिक्के संसद के सिक्के लग गए हैं वो कायदे के हम खिलाफ़ है जो बन चुके हैं उसके भी और आने वाले हैं उसके भी खिलाफ़ है क्योंकि जब भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए जब हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई मुसलमान भाइयों ने लहू दिया तो दोनों का रंग लाल था किसी का किसी का काला और किसी का लाल ऐसा नहीं था हिंदू भाई का भी लाल था और मुसलमान भाई का भी लाल था जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के जो थे बच्चे कुचे उन्होंने भारत माँ नाम क्यों दिया माँ का नाम क्यों दिया क्योंकि माँ किसी भी बच्चों से भेदभाव नहीं रखती इसलिए उन्होंने भारत को भारत माँ कहा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किसी समुदाय या फिर किसी आ, व्यक्ति विशेष से नहीं है यहाँ धरना प्रदर्शन जो है अपने अधिकारों को मांग रहे हैं भीख नहीं मांग रहे हैं यहाँ पे लोग अपने अधिकारों का सरकार जो भावी सरकार है अपनी मनमानी कर रही है एन एन आर सी सी डबल ए जो ये लागू कर रही है उससे हमको ना मंजूर है हमें एन आर सी सी ए ऐसा कोई भी कानून काला कानून नहीं चाहिए हमें हमारा अधिकार चाहिए हम बस यही मांग रहे हैं और हमारी सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप हमें दो भागों में मत बांटिए हम हिंदू मुसलमान भारतवासी हैं हिंदू मुसलमान नहीं हैं हम सभी इससे परेशान हैं केवल एक कौम नहीं पूरा कौम मिलके ये बोल रहा है कि हमें एनआरसी आर सी डबल ए ऐसी कोई कानून नहीं चाहिए जो हमें विभाजित करता है और जो आप कर रहे हैं भाभी आपका जो इलेक्शन की तैयारी में आप जो डिवाइड कर रहे हैं जो पब्लिक को रोड पे ला रहे हैं और आपका जो मानना है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती तो ये जो महिलाएं शाहीन बाग से लेके गुजरात के एक एक गली एक एक नुक्कड़ से यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं ओम ओम नगर में वो भी आपको यही मैसेज दे रही हैं आप बहन बोल के वोट तो लिए वोट लेके आप बैठ के शासन कर रहे हो तब आपको नहीं पता था एनआरसी का क्या है सी डावल क्या है तब आपने नहीं बोला तब आप तो वोट लेके शासन करने लगे अभी आप हमसे हमारा वोट लेके शासन करने के बाद हमसे हमारी इक्वालिटी को तोड़ के हमको डिवाइड करके आप जो है फिर वही चीज़ गेम खेल रहे हो टू की तैयारी कर रहे हो तो ये ट्वेंटी गेम नहीं है हम एक एक समाज हैं हमको बांट के आप वोट की राजनीति मत खेलो